हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ओके, तो आज हम बकरी यानी कि गोट के बारे में बात करेंगे। ये चार पैरों वाला एक पालतू पशु है जो कैप्रा गोत्र से संबंधित है। बकरी का वैज्ञानिक नाम कैप्रा हिरकस है। ये गाय के समान दिखती है लेकिन उससे छोटी होती है। इन्हें छोटे जुगाली करने वाले पशु भी कहते हैं। नस्लों के आधार पे ये कई वर्ण के होते हैं। बकरी की खाल नरम होती है और उसपे उगे हुए बाल या रुए छोटे और चमकीले होते हैं। इनके दो सींग, दो कान, दो आंखें और एक छोटी सी पूंछ होती है। बकरियों में नर को बकरा या बक्स कहते हैं, जिनकी ताड़ी होती है। मादा को बकरी या डो कहते हैं और बकरी के बच्चे को किट कहते हैं। ये बहुत ही सामाजिक पशु है, इसलिए झुंड में रहना पसंद करते हैं। ये खाते हैं पत्ते, पौधे और घास। ये रहते हैं फार्म में बाकी जानवरों के साथ। बकरी का दूध पीने से हम ताकतवर बनते हैं। ये आवाज करते हैं, मैं मैं। तो फिर आज की कविता शुरू करें, चलिए करते हैं। चूहे राजा क्रिकेट टीम के चुने गए कप्तान, अपने बल्लेबाजी का था उनको बहुत गुमान। पैड पहन दस्ताना पहन हेलमेट एक लगाए, टॉस जीत कर खुद ही पहले बैटिंग करने आए। पर दूसरी टीम का बकरा था कप्तान, उसे क्रिकेट के दांव पेच की पूरी थी पहचान। पहला ही ओवर बकरे ने बिल्ली से चिकवाया, चूहे को आउट करने का नया ढंग अपनाया। चली गेंद लेकर जब बिल्ली कांपे डर के मारे, पीस छोड़कर दूर हो गए धीरे से बेचारे। चली गेंद स्टंप उड़ गए, मचा जोर से हल्ला, आउट होकर चूहे राजा भागे लेकर बल्ला। चलिए दोबारा कविता गाते हैं। चूहे राजा क्रिकेट टीम के चुने गए कप्तान, अपने बल्लेबाजी का था उनको बहुत गुमान। पैड पहन दस्ताना पहन हेलमेट एक लगाए, टॉस जीत कर खुद ही पहले बैटिंग करने आए। पर दूसरी टीम का बकरा था कप्तान, उसे क्रिकेट के दांव पेच की पूरी थी पहचान। पहला ही ओवर बकरे ने बिल्ली से चिकवाया, चूहे को आउट करने का नया ढंग अपनाया। चली गेंद लेकर जब बिल्ली कांपे डर के मारे, पीस छोड़कर दूर हो गए धीरे से बेचारे। चली गेंद स्टंप उड़ गए, मचा जोर से हल्ला, आउट होकर चूहे राजा भागे लेकर बल्ला। यह कविता थी ना, तो आप जल्दी से इसे थम्स अप दे दीजिए, जिसका मतलब होता है लाइक करना, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। ओके, बाय।